सो हे गाइस, बॉडी बिल्डिंग अपडेटेड में आप सभी लोगों का स्वागत है। एंड बॉडी बिल्डिंग की दुनिया से जुड़े बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड लेटेस्ट अपडेट लेके आप सभी लोगों के लिए मैं आ चुका हूँ। सो चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर से प्रेस कर लेना। एंड नाउ अब बढ़ते हैं गाइस आज की अपनी पहली अपडेट की तरफ, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं अपने न्यू IFBB प्रो लवप्रीत सिंह भाई के बारे में। तो गाइस रिसेंट में, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि बहुत जल्दी अभी शेरू क्लासिक की स्टेज पे हम लोगों को देखने को मिलने वाले हैं, यानी कि अपने दिल्ली प्रो शो के अंदर। सो उसके चलते गाइस इन्होंने अपना रिसेंट का फिजिक अपडेट जो है वो गाइस शेयर कर दिया। एंड आप लोग देखो कि भाई कितनी ज़्यादा हार्डनेस अभी लवप्रीत सिंह भाई अपने फिजिक के अंदर हम लोगों को शो करते हुए नजर आएंगे। हालांकि उन्होंने अपना कंप्लीट फिजिक तो अभी रिवील नहीं की है, लेकिन डेफिनेटली इस बार का उनका जो पैकेज होने वाला है वो काफ़ी अच्छा पैकेज होने वाला है। सो लेट्स सी आखिरकार वो क्या करते हैं। एंड नाउ अब बढ़ते हैं गाइस आज की अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। एंड अब हार्डनेस की बात हो ही चुकी है तो बात करते हैं जीत सैलाल के बारे में। तो गाइस रिसेंट में इनकी साइड से भी एक काफ़ी ज़्यादा हार्डनेस शोइंग जो अपडेट है फिजिक अपडेट वो गाइस आउट हो चुका है। एंड आप लोग देख सकते हो वो कितनी ज़्यादा हार्डनेस एंड खास तौर पे अपनी चेस्ट में वो शो करते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड आप लोग उनके शोल्डर भी देखो, काफ़ी अच्छी आप लोग को फिजिक देखने को मिलेगी अभी उनकी ओवरऑल। एंड काफ़ी अच्छी डिसेंट फिजिक अभी उन्होंने मेंटेन करके रखी है। बाकी अभी पास्ट में क्या हुआ था वो तो गाइस आप लोग को पता होगा, उसके बारे में तो हम लोग बात नहीं करेंगे। लेकिन आप लोग देख सकते हो काफ़ी अच्छी इन्होंने अपनी नेचुरल जो है वो फिजिक वो बना रखी है। बाकी आप लोग को इनका ये वाला जो अपडेट है वो गाइस कैसे लगा आप लोग डेफिनेटली मुझे कमेंट सेशन के अंदर बता देना। एंड नाउ अब बढ़ते हैं गाइस आज की अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जिसमें गाइस हम लोग बात करने वाले हैं अपने हिमांशु शर्मा भाई के बारे में। तो गाइस मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि ये भी कॉम्पीट करने वाले हैं अपकमिंग शेरू क्लासिक के अंदर। जी हाँ गाइस, एंड उसके चलते गाइस मैं इनका प्रेजेंट टाइम का जो फिजिक अपडेट है वो गाइस लेके आ चुका हूँ। एंड आप लोग देखो प्रेजेंट टाइम में अपने हिमांशु शर्मा भाई किस तरह के लग रहे हैं। एंड गाइस आप लोग देखो उनकी चेस्ट काफ़ी ज़्यादा फुलनेस आप लोग को नजर आएगी, उनके शोल्डर राउंड शेप में आप लोग को देखने को मिलेंगे, मिड सेक्शन आप लोग को क्लियर देखने को मिलेगा। बात करें लोअर बॉडी की तो काफ़ी अच्छी सेपरेशन आप लोग को नजर आएगी। एंड गाइस मैं आप लोग को दिखाना चाहूँगा कि वो ऑन स्टेज अपनी बैक को कितना इम्प्रूव्ड करके आ सकते हैं। एंड आप लोग देखो ये एक उनकी इनसेन बैक का अपडेट। बाकी आप लोग उनका ये वाला अपडेट कैसा लगा कमेंट सेशन के अंदर आप लोग मुझे बता देना अपने ओपिनियंस को। एंड नाउ गाइस अब बात करते हैं आज को अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जिसमें हम लोग बात करने वाले इशर सैयद भाई के बारे में। तो गाइस रिसेंट में गाइस इन्होंने अपना प्रेजेंट टाइम का जो फिजिक अपडेट है वो गाइस शेयर कर दिया। आप लोग देख सकते हो कितने ज्यादा इंप्रेसिव अभी आप लोग को अपने इशर सैयद भाई नजर आएंगे। एंड गाइस मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि अपने इशर सैयद भाई ने NPC नॉर्थ इंडिया नेशनल के अंदर अपनी कैटेगरी से गोल्ड मेडल सिक्योर किया था। हालांकि वो गाइस आप लोग को पता ही है कि जितने भी NPC शोज हैं वो मैंडेटरी हैं, एंड जितने बड़े बड़े एथलीट हैं जो शेरू क्लासिक के, जो कि मैं ऑलरेडी आप लोग को बता चुका हूँ, ये NPC शो वो एक वार्म अप शो या फिर आप लोग बोल सकते हो ट्रायल मैच की तरह खेल रहे हैं। यानी कि आप लोग बोल सकते हो जो उनका फुल ऑन बेस्ट पैकेज है वो उस बेस्ट पैकेज लेके नहीं आए, लेकिन उसके बावजूद भी वो गोल्ड सिक्योर कर जाते हैं। हालांकि लाइनअप तो गाइस इतना सही नहीं था, लेकिन लेट्स सी गाइस एक बार तो गाइस कंफर्म है कि इस बार उन्होंने काफ़ी अच्छी प्रेप करी है। एंड इस प्रेप के दौरान काफ़ी इम्प्रूवमेंट अभी उन्होंने अपनी फिजिक के अंदर कर ली है। सो लेट्स सी इस बार का शेरू क्लासिक उनके लिए कैसा रहता है। बाकी आप लोग को उनका ये वाला जो अपडेट है कैसा लगा कमेंट सेशन के अंदर आप लोग बताना। एंड नाउ अब बढ़ते हैं गाइस आज का अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं कुछ इंटरनेशनल बॉडी बिल्डर्स एंड उनकी न्यूज़ रिकॉर्डिंग। तो गाइस सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं क्रिस बम के बारे में। जी हाँ गाइस इस बार गाइस मैं इनकी साइड से बहुत ही ज़्यादा बड़ी बिग न्यूज़ लेके आया हूँ उनकी फैंस के लिए। एंड गाइस वो बिग न्यूज़ ये है कि अपने 4-time क्लासिक फिजिक मिस्टर ओलंपिया चैंपियन क्रिस बम की एक डॉक्यूमेंट्री मूवी आ रही है। जी हाँ गाइस रिसेंट में गाइस जनरेशन आयरन ने इस चीज़ को ऑफिशियली अनाउंस एंड कंफर्म कर दिया है कि बहुत जल्दी आप लोग को 4-time मिस्टर ओलंपिया क्लासिक फिजिक चैंपियन क्रिस बम की एक डॉक्यूमेंट्री मूवी देखने को मिलेगी। एंड उसका कुछ शूटिंग पार्ट भी अभी आप लोग देख सकते हो। बाकी आप लोग कितने एक्साइटेड हो कमेंट बॉक्स के अंदर बताना। एंड नाउ अब बढ़ते हैं गाइस आज की अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं बिग रैमी के बारे में। तो बिग रैमी ने रिसेंट में गाइस अपनी स्टोरी पे अपने प्रेजेंट टाइम का जो फिजिक अपडेट है उसको गाइस शो किया था। एंड गाइस आप लोग देख सकते हो बिग रैमी काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव अभी आप लोग को नजर आ रहे होंगे।
एंड गाइस जो उनकी क्वाड्स में प्रॉब्लम थी, यानी कि जो उनकी अपर बॉडी थी वो काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट करती थी उनकी लोअर बॉडी को। लेकिन अभी एक बैलेंस फिजिक हम लोगों को बिग रैमी शो करते हुए नज़र आ रहे हैं। बाकी आप लोग को बिग रैमी के ये चेंजेस एंड इम्प्रूवमेंट कैसे लगे कमेंट बॉक्स के अंदर बताना, एंड लेट्स सी इस बार ओलंपिया में वो क्या कर पाते हैं एंड क्या नहीं। सो गाइस आज के वीडियो में तो सिर्फ इतनी अपडेट्स थे। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर से प्रेस कर लेना। एंड मैं मिलता हूं इस वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय गाइस।